हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। राजस्थान में जयपुर के पास एक आभानेरी गांव है, जहां पर ये चांद बावड़ी स्थित है। इसे आभानेरी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये बावड़ी सबसे सुंदर और विश्व की सबसे गहरी बावड़ी है। ये 13 तल गहरी है। राजस्थान एक सूखा रेगिस्तानी प्रदेश होने के कारण यहाँ बावड़ियों का निर्माण सामान्य बात है। ये बावड़ियाँ जल प्रबंधन प्रणाली होने के साथ गर्मियों में वातावरण में शीतलता भी प्रदान करती है। तो चलिए इसके इतिहास और इससे जुड़ी रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। ये चांद बावड़ी भारत की प्राचीनतम बावड़ियों में से एक है, जो अब भी अच्छी अवस्था में है। इस सर्वाधिक गहरी बावड़ी का निर्माण निकुंभ वंश के राजा मिहिर भोज ने बनवाया था, जिन्हें चांद या चंद्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम चांद बावड़ी भी पड़ा। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। 1200 से 1300 वर्ष प्राचीन यह संरचना ताजमहल, खजुराहो के मंदिर और चोल मंदिरों से भी ज़्यादा प्राचीन है, लेकिन अजंता और एलोरा गुफाओं के शिल्पों के अपेक्षाकृत नहीं है। इस बावड़ी के निर्माण को लेकर कई कहानियां हैं, जिनमें से एक काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इसे भूत प्रेतों ने एक दिन में बनवाया था, और ये इतनी गहरी है कि कोई वस्तु इसमें गिर जाए तो उसे वापस पाना असंभव है। इस बावड़ी में बनी सीढ़ियों की संरचना त्रिकोणीय है, जिसे देखकर आप दांतों तले उंगलियाँ दबा लेंगे, और ये सीढ़ियाँ जल सतह तक पहुँचती हैं। सोचनीय बात यह है कि जल प्रबंधन प्रणाली को वास्तुशिल्पी दृष्टि से इतना मनमोहक बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं कि 9वीं शताब्दी की सभी सार्वजनिक संरचनाएं इतनी ही मनोहर हुआ करती थी और अब उनमें से कुछ ही धरोहर बची हैं। अगर ये सच है तो भारत को विश्व का चमकता हीरा कहना कोई गलत बात नहीं होगी। 9वीं शताब्दी में जब ये बावड़ी का निर्माण हुआ था, तब आभानेरी गांव को आभा नगरी कहा जाता था। इसका मतलब चमकने वाला नगर से था, जिसे राजा चांद ने बसाया था और यहाँ बावड़ियों और मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। समय बदलने के साथ साथ आभा नगरी का नाम बदलकर आभानेरी हो गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में वास्तुकारों और यहाँ के लोगों द्वारा जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाई गई ये बावड़ियाँ बहुत उपयोगी साबित होती थी, जिनमें बहुत सारा पानी जमा किया जाता था, जिससे वहाँ का वातावरण अच्छा रहता था और ये पानी क्षेत्र के निवासियों के लिए वर्ष भर उपयोगी होता था। इस बावड़ी की गहराई लगभग 19 मीटर है, जिसके तीन तरफ त्रिकोण में सीढ़ियाँ हैं जो भूलभुलैया के रूप में बनी हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जिस सीढ़ियों से ये नीचे उतरे हैं, वापस उन्हीं सीढ़ियों से चाहकर भी ऊपर नहीं जा सकते। और सीढ़ियों से नीचे उतरने पर बीच में गहरा तालाब है, जिसका पानी काफ़ी पवित्र माना जाता है। इससे हाथ मुंह धोने के बाद ही जो इसके पास मंदिर है वहाँ जाते हैं, ऐसी परंपरा है। इस पानी का रंग चटक हरा हो चुका है, जो इसकी शोभा को 4 चांद लगाता है, जिसे क्षीर सागर के रूप में माना जाता है। और इस सुंदर बावड़ी में आज भी 10वीं शताब्दी के बने कलाकृतियां भी मंदिर में उपस्थित हैं, जो काफ़ी प्राचीन हैं। बावड़ी की चौथी तरफ कई तलों में स्तंभ की गलियारे बने हुए हैं और 2 आगे की तरफ निकली हुई बुर्ज हैं, जो बावड़ी की तरफ झुकी हुई हैं। इसके निचले तल पर गणेश और महिषासुर मर्दिनी की भव्य मूर्ति हैं और विष्णु भगवान की भी मूर्तियां हैं। ये बावड़ी वर्गाकार है और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, ये सक्रिय होती जाएंगी। और इस बावड़ी में कई प्राचीन मूर्तियां हैं, जैसे लाल पत्थर पर बना शिव का शीश, कल्कि अवतार में विष्णु और परशुराम भगवान, कार्तिकेय, ब्रह्मा विष्णु महेश के फलक, हर्षद माता का मंदिर, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ, कई जैन मूर्तियाँ भी हैं, यक्ष की प्रतिमाएँ हैं, कई आकर्षक स्तंभ हैं जिन पर
नक्काशियाँ की गई हैं। अब जानते हैं आभा नेरी महोत्सव के बारे में। आभा नेरी में प्रत्येक शरद नवरात्रि के समय 3 दिन का महोत्सव आयोजित किया जाता है, जो लगभग दशहरा के आसपास होता है। इस बावड़ी में ये महोत्सव मनाया जाता है और इस दौरान इसे काफ़ी सुंदर सजाया जाता है। अब जानते हैं इस बावड़ी के समीप ही एक हर्षद माता का मंदिर है उसके बारे में। इस मंदिर में नवरात्रि के समय विशेष पूजा की जाती है, तब यहाँ पे काफ़ी संख्या में विदेशी सैलानी आते हैं। वैसे भी इस बावड़ी को देखने के लिए विदेशों से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हर्षद माता को हर सिद्धि माता भी कहा जाता है, जिसका मतलब हर्ष और उल्लास की देवी से है। इसका निर्माण भी उसी समय हुआ था जब चांद बावड़ी का हुआ था। यदि आप इतिहास में देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग सभी बावड़ियों के पास मंदिर जरूर होता था, केवल रानी की बाव को छोड़ दिया जाए तो। माना जाता है कि हर्षद देवी खुशी और आनंद की देवी हैं, जो भक्तों को हमेशा खुश रखती हैं। ये मंदिर एक मंच पर बना हुआ है और मंदिर की दीवारों पर सूर्यमुखी के फूलों के आकार की नक्काशियाँ बनी हुई हैं। सूर्यमुखी की नक्काशियाँ बहुत कम जगहों पर ही देखने को मिलती है, जो दुर्लभ है। अधिकतर कमल के पुष्पों और ज्वाकुसुम की ही नक्काशियाँ मिलती हैं। और भी कई आकर्षित देवी देवताओं की नक्काशियाँ आपको इन दीवारों पर देखने को मिल जाएंगी। ऐसा बताया जाता है कि जब मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था, मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और कई मूर्तियां खंडित कर दी थीं, और इन मंदिरों में लगे नीलम और कई हीरे लूट कर ले गया था, जिनमें से उन खंडित मूर्तियों में से आज भी कई मूर्तियां सुरक्षित रखी हुई हैं। 18वीं शताब्दी में जयपुर के राजा ने फिर से इस मंदिर को बनवाया था। इस मंदिर का शिखर जो भारतीय नागर शैली में बना है, जिसे महामेरु शिखर के नाम से जाना जाता है, जो ऊंचा बेलनाकार है, जिसके इसके ऊपर प्राचीन समय में एक गोलाकार पत्थर हुआ करता था, जिसे अमलका कहा जाता था। वर्तमान में इसके अवशेष मंदिर के चारों तरफ रखे हुए हैं। अमलका का शब्द आंवला फल से होता था। इस गुंबद का मध्यकाल में परिवर्तन करके नागर शैली के भीतर पंचरथ पद्धति में इसका निर्माण किया गया। अगर इस चांद बावड़ी के बारे में बात करें तो ये बावड़ी चांदनी रात में बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती है, और एक नृत्य कमरा होता था, और इस बावड़ी में एक सुरंग भी है जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है, जो पास ही स्थित भंडारेज गांव में निकलती है। इसका उपयोग युद्ध के समय राजा और सैनिकों के लिए किया जाता था। ये स्थान राजस्थान के यशस्वी और गौरवशाली अतीत का जीता जागता उदाहरण है। तो ये थी चांद बावड़ी से जुड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।